नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। बॉक्स ऑफिस पर एक और बायोपिक देखने को हो जाइए तैयार। हॉकी प्लेयर संदीप सिंह पर बनी फिल्म सूरमा आज शुक्रवार 13 जुलाई को रिलीज हो चुकी है। फिल्म में संदीप सिंह का किरदार दिलजीत दोसांझ का है। पंजाब के इस सिंगर एक्टर ने उड़ता पंजाब से अपनी पहचान बढ़ाई है। सूरमा में तापसी पन्नू, अंगद बेदी, सिद्धार्थ शुक्ला और विजय राज ने अहम भूमिका निभाई है। करीब 2 घंटे 11 मिनट की इस फिल्म को बनाने में 30 करोड़ के आसपास की लागत आई है। ट्रेड एक्सपर्ट के मुताबिक फिल्म को पहले दिन 2 से 4 करोड़ के बीच का कलेक्शन मिल सकता है। हालांकि ये फिल्म माउस पब्लिसिटी से पिकअप करने वाली फिल्म है और माना जा रहा है कि वीकेंड में फिल्म को अच्छा फायदा हो सकता है। पंजाब और उत्तर भारत में इस फिल्म को अच्छी बढ़त मिल सकती है। दिलजीत की पंजाब में अच्छी फैन फॉलोइंग है और साथ ही वहाँ हॉकी की लोकप्रियता भी काफ़ी है। सूरमा को भारत में 1100 और ओवरसीज में 335 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। इस फिल्म को जागरण की तरफ से 3.5 स्टार दिए गए हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से भी इस फिल्म को 3.5 स्टार दिए गए हैं।